पुनः सभी का HLB डिजिटल क्लासेज में स्वागत है। ये संकुल युगों का बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण वीडियो है जो बोर्ड परीक्षा के लिए आपका बनाया गया है। देखिए जिसके नाम आपको देखने हैं, लिखा निम्नलिखित संकुल युगों का IUPAC नाम लिखिए। पहला IUPAC नाम है संकुल यौगिक का, देखिए SCO, NO2 का होल ट्वाइस, NH3 का होल थ्राइस। जब भी हम संकुल यौगिकों का नाम लिखते हैं तो इसमें हमारा एक होता है बड़ा कोष्ठक। बड़ा कोष्ठक इसके अंदर हमारे दो प्रकार के स्पेसीज होती हैं, एक होते हैं लिगेंड, दूसरे होता है कैंडिडेट परमाणु या आयन। तो सबसे पहले हम लिगेंड का नाम लिखते हैं, उसके अगर लिगेंड एक से अधिक हैं तो उनका नाम हम अल्फाबेटिकली क्रम में लिखते हैं। उसके बाद हम कैंडिडेट परमाणु का नाम लिखते हैं और उसकी ऑक्सीकरण संख्या को रोमन अंक में लिखकर छोटे कोष्ठक के अंतर्गत बंद कर देते हैं। अब इससे अगर कोई बाहर है, आयन स्फीयर में है, तो उसका नाम हम अगर पहले है तो पहले लिखते हैं, बाद में है तो बाद में लिखते हैं और उसका हम साधारण नाम लिखते हैं। उसके लिए संख्या का प्रयोग भी हम नहीं करते हैं, केवल उसका साधारण नाम लिख देते हैं। तो चलते हैं, पहला है CO, NO2 का होल ट्वाइस, NH3 का होल थ्राइस। तो दो लिगेंड है, एक है हमारा नाइट्राइट, दूसरा हमारा एमीन, इसको हम नाइट्रो भी कह सकते हैं। तो एमीन है, अब एमीन हमारा ऐसे पड़ेगा तो इसका पहले हम नाम लिखेंगे, तो ये हमारा नाम इसका हो जाएगा ट्राई एमीन। इसमें दो हैं तो हो जाएगा डाई नाइट्रो कोबाल्ट, केंद्रीय परमाणु का नाम हो जाएगा कोबाल्ट। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या देखिए, ये उदासीन लिगेंड है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या शून्य होगी। जो नाइट्रो होता है इसकी -1 होती है, दो है तो -2 हो जाएगी, इधर जाएगी 5 होगी तो +2 बनेगी। इस प्रकार ये ऑक्सीकरण संख्या कोबाल्ट सेकेंड हो जाएगा, जो रोमन अंक में लिख करके छोटे कोष्ठक के अंतर्गत बंद कर देते हैं, तो इसका ये IUPAC नाम होगा। दूसरा हमारा है CO, H2O का होल फोर्थ, Cl2, बड़ा कोष्ठक बंद, उस पर प्लस लगा हुआ है। तो हम इसमें सबसे पहले आएगा हमारा H2O के, हमारा जो लिगेंड है H2O, इसके चार हैं परमाणु, तो ये हो जाएगा हमारा फोर के लिए हमारा हो जाएगा टेट्रा। H2O के लिए हमारा होता है एक्वा, तो टेट्रा एक्वा। फिर डाई क्लोरो। फिर कोबाल्ट केंद्रीय परमाणु का नाम हो जाएगा, यह उदासीन लिंगन है, इसके ऊपर दो होता है, दो इसके ऊपर एक प्लस लगा है तो ये घट जाएगा, एक बचेगा तो हमारा हो जाएगा 1 कोबाल्ट फर्स्ट। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा टेट्राइक्वा डाइक्लोरो कोबाल्ट फर्स्ट। अगला हमारा IUPAC होगा, देखिए CO, NH3 का होल ट्वाइस, NO2, Cl, CN। इसमें हमारा 1, 2, 3, 4 प्रकार के लिगेंड हैं। अब इन चार प्रकार के लिगेंड में पहले अब नाम लिखेंगे एमीन का अल्फाबेटिकली क्रम में, तो हो जाएगा डाई एमीन। एमीन के बाद एक क्लोरो आ जाएगा, क्लोरो तो हो जाएगा Cl अकेला, तो हो जाएगा क्लोरो, तो डाई एमीन क्लोरो। उसके बाद N और C में यह हो जाएगा साइनो, और यह हो जाएगा नाइट्रो साइनो। उसके बाद हो जाएगा कोबाल्ट
कोबाल्ट, कोबाल्ट, अब इसकी आक्सीकरण संख्या, इसकी यहाँ माइनस, यहाँ एक, यहाँ दो, एक एक तीन, एक दो तीन, ये उदासीन है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा थर्ड। तो इस तरह से ये इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। ये संकुल युवकों के आईयूपीएसी नाम है, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में चार नाम लिखने के लिए आते हैं। अगला, इसी क्रम में अगला नाम होगा, देखिए पीटी NH3 CL5, तो एमीन हो जाएगा, एमीन, ये हो जाएगा एमीन, एमीन पाँच, फाइव CL है तो हो जाएगा पेंटा, तो हो जाएगा पेंटा, तो एमीन पेंटा क्लोरो, क्लोरो या क्लोरीडो भी लिख सकते हैं, क्लोरो क्लोरीडो में से कुछ भी लिख सकते हैं, तो पेंटा क्लोरो। पीटी के लिए हो जाएगा प्लेटिनम, तो हो जाएगा प्लेटिनम, 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 अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा फाइव, तो हो जाएगा फाइव, प्लेटिनम फाइव। फिर अगला होगा हमारा K2, अगला आईयूपीएसी है K2NICN का होल फोर्थ, K2NI, तो K2 हमारा हो जाएगा पोटेशियम, इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम। फिर इसमें लिगेंड में हो जाएगा टेट्रा, ये हो जाएगा टेट्रा, टेट्रा साइनो, टेट्रा साइनो निकलेट, हो जाएगा निकलेट, निकलेट। देखिए जब हमारा आयन स्तर निगेटिव होता है तो केंद्रीय धार प्रमाण के नाम के अंत में हम एट लगा देते हैं, इसलिए हो जाएगा निकलेट। इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, देखिए चार और दो प्लस दो बचेगा और पक्षांतरित होगा, तो ये दो बचेगा, तो ये हो जाएगा सेकंड। तो इस तरह से हमारा होगा पोटेशियम टेट्रा साइनो, पोटेशियम टेट्रा साइनो निकलेट सेकंड, कोशक में बंद हो जाएगा। फिर अगला हमारा नाम होगा पोटेशियम, देखिए आयन स्फीयर में हमारा पोटेशियम है, आयन स्फीयर में हमारा पोटेशियम है, तो हो जाएगा पोटेशियम, पोटेशियम। ये सारे हमारे बोर्ड परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जो अत्यंत आने वाली 27 तारीख की बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आईयूपीएससी नामकरण के लिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, अपने साथियों में वीडियो को शेयर भी कर दें, तो ये नाम हो जाएगा हमारा पोटेशियम। अब ये हो जाएगा, देखें ऑक्सीलेटो तीन है, तो ये चूँकि ये यहाँ पर तीन है, तो इसके लिए हमारा हो जाएगा ट्रिस, ये हमारा हो जाएगा ट्रिस, द्विदंती लिगेंड है ये, इसलिए इसके लिए ट्रिस होगा। ऑक्सलेटो ये हो जाएगा ऑक्सलेटो ट्रिस ऑक्सलेटो। अब इसका हो जाएगा फेरेट, इसका हो जाएगा फेरेट, क्योंकि आयन स्फीयर हमारा निगेटिव बनेगा, इसलिए हो जाएगा फेरेट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर, चूँकि दो दो माइनस तीन दूनी छः से तीन घट जाएंगे, तीन बचेगा, तो ये हो जाएगा फेरेट थर्ड, फेरेट थर्ड। फिर अगला हमारा नाम होगा, अगला नाम हमारा होगा, यहाँ लिख देते हैं पोटेशियम, अगला नाम हो जाएगा पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम। अब आयन स्फीयर का नाम होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, इसमें भी ट्रिस ऑक्सीलेटो, ट्रिस ये हो जाएगा ट्रिस ऑक्सीलेटो, ट्रिस ऑक्सीलेटो। कोबाल्टेट ये हो जाएगा कोबाल्टेट, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, देखिए तीन नूनी छः, छः से तीन घट जाएगा, तीन ही बचेगा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर तीन होगा, वही थर्ड हो जाएगा। फिर अगला
आईयूपीएसी नाम होगा इसका। ठीक है, CrNH3 का होल थ्राइस Cl3, तो इसके आयन स्फीयर में कुछ नहीं है, इसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर में दो लिगेंड हैं, जिसमें पहला हो जाएगा अल्फाबेटिकली क्रम में एमीन, तो हो जाएगा ट्राई एमीन, ये हो जाएगा ट्राई एमीन, ये हो जाएगा ट्राई एमीन, फिर ट्राई क्लोरो, अगला हो जाएगा ट्राई क्लोरो, ट्राई एमीन, ट्राई क्लोरो, तो ट्राई एमीन, ट्राई क्लोरो, क्रोमियम, क्रोमियम, क्रोमियम हो जाएगा। अब इसका तीन ऑक्सीडेशन नंबर तीन हो जाएगा, उदासीन लिगेंड है, Cl का एक माइनस होता है, तीन है तो तीन, तो इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा थर्ड। फिर अगला हमारा होगा, देखिए CO, इसमें भी एमीन है, तो ये इसमें हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एक लिगेंड है, तो इसके चार समूह हैं, तो हो जाएगा टेट्रा एमीन, तो हो जाएगा टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन, फिर हो जाएगा कॉपर, टेट्रा एमीन कॉपर, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, उदासीन है तो दो, तो हो जाएगा दो, कॉपर सेकंड सल्फेट, आयन स्फीयर में जो भी समूह होता है उसका सामान्य नाम लिखते हैं, तो हो जाएगा सल्फेट। फिर अगले IUPAC की ओर बढ़ते हैं, अगला हमारा संकुल यौगिक है CONH3 का होल 6Cl3, तो हो जाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हमारा एक लिगेंड है जिसके छः समूह हैं, तो हो जाएगा हेक्सा एमीन, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सा, हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन, फिर हो जाएगा कोबाल्ट, हेक्सा एमीन, कोबाल्ट, हेक्सा एमीन, कोबाल्ट, ये उदासीन है तो ये तीन, ऑक्सीडेशन नंबर तीन हो जाएगा, कोबाल्ट थर्ड, और आयन स्फीयर में Cl3 है जिसका साधारण नाम क्लोराइड हो जाएगा, क्लोराइड, क्लोराइड, तो इससे इस नाम ना हो जाएगा हेक्सामीन, कोबाल्ट थर्ड, क्लोराइड। फिर अगला UPSC होगा, अगला UPSC हमारा होगा, हमारा होगा PT, ये कुछ मिस्टेक है यहाँ पर, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो हो जाएगा हेक्सामीन, हेक्सामीन, ये हमारा हो जाएगा हेक्सामीन, हेक्सामीन, फिर प्लेटिनम, हेक्सामीन, प्लेटिनम, प्लेटिनम, हेक्सामीन, हेक्सामीन, प्लेटिनम, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा फोर्थ, जो कि उदासीन है, तो प्लेटिनम फोर्थ, प्लेटिनम फोर्थ, और हो जाएगा क्लोराइड, क्लोराइड, क्लोराइड। फिर अगले IUPAC की ओर बढ़ते हैं, तो अगला IUPAC होगा, आगे अब इसको ऊपर बढ़ाते हैं, तो इस तरह से नाम को नोट भी करते रहें और समझते भी रहें, वीडियो को अपने साथियों में शेयर भी करते रहें, क्योंकि आने वाली 27 तारीख की केमिस्ट्री की बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत ही आपके नाम है, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में चार नाम आपको लिखने के लिए आएंगे। चलिए अगला है, तो आगे बढ़ते हैं, तो हमको ये बढ़ाना 10 × 2 = 12 का नाम बता। चलिए अगला हमारा होगा, अब हमको इसका नाम बताना है, देखिए नाम को नोट भी करते रहें, कॉपी और पेन लेकर के बैठें और नाम को नोट भी कर लें। देखिए
इसका नाम होगा हमारा, इसका हमारा नाम होगा आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हमारा 6 लिगेंड है, एक लिगेंड है, इसके 6 समूह हैं, तो हो जाएगा हेक्सा एक्वा, इसका नाम हो जाएगा हेक्सा हेक्सा एक्वा हेक्सा एक्वा हेक्सा एक्वा आयरन आयरन हेक्सा एक्वा आयरन। ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा थर्ड, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा थर्ड थर्ड क्लोराइड, थर्ड क्लोराइड क्लोराइड हो जाएगा। फिर अगला हमारा यूपीएससी होगा, देखिए K2CO C2H4 का होल थ्राइस, होल थ्राइस, तो हमारा हो जाएगा ट्राई एथिलीन, ये हमारा एथिलीन है, तो हो जाएगा ट्राई ट्राई एथिलीन ट्राई एथिलीन। उसके बाद हो जाएगा ट्राई एथिलीन कोबाल्टेट को, सॉरी आयन स्फीयर में है, तो पहले आयन स्फीयर में जो मौजूद है उसका नाम लिखेंगे, तुम्हारा आयन स्फीयर में मौजूद है पोटेशियम, अगर आयन स्फीयर में मौजूद है पहले तो उसका नाम पहले लिखेंगे, बाद में मौजूद है तो बाद में नाम लिखेंगे, तो पहले यहाँ पर पोटेशियम मौजूद है पहले लिखेंगे पोटेशियम, तो हो जाएगा पोटेशियम पोटेशियम। फिर हो जाएगा ट्राई एथिलीन पोटेशियम ट्राई एथिलीन पोटेशियम ट्राई एथिलीन कोबाल्टेट कोबाल्टेट कोबाल्टेट, और इसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा एथिलीन, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा सेकेंड। सेकंड अगले यूपीएससी की ओर बढ़ते हैं, अगला यूपीएससी हमारा हो जाएगा, अगला यूपीएससी हमारा होगा K3, अगला होगा यूपीएससी पोटेशियम, देखिए आयन स्फीयर में पोटेशियम है जिसके नाम को यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा पोटेशियम ट्रिस ऑक्सीलेटो क्रोमेट, यहाँ पर होगा तीन बचेगा, तो होगा पोटेशियम 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 ट्रिस ऑक्सीलेटो, फिर अगला होगा ये ट्रिस ऑक्सीलेटो पोटेशियम ट्रिस ऑक्सीलेटो पोटेशियम ट्रिस ऑक्सीलेटो क्रोमेट क्रोमेट। ऑक्सीडेशन 3:6 घट जाएगा, 2 लिगेंड है, 2 माइनस होता है तो 3 है, 3:6 घट जाएगा, 3 बचेगा, तो हो जाएगा थर्ड क्रोमेट थर्ड हो जाएगा। फिर अगले IUPAC की ओर बढ़ते हैं, अगला IUPAC हमारा होगा इसमें 3 प्रकार के लिगेंड है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, तो पहला होगा एमीन फिर क्लोरो, तो पहला एमीन होगा एमीन एमीन फिर क्लोरो एमीन क्लोरो सल्फेटो सल्फेटो एमीन क्लोरो सल्फेटो, 3 लिगेंड थे। उसके बाद कोबाल्ट 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 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 2, 1, 3, यहाँ पर थर्ड हो जाएगा कोबाल्ट थर्ड।
फिर अगला यूपीएससी है, अगला यूपीएससी हमारा होगा, देखिए आयन स्फीयर में कैल्शियम है तो कैल्शियम का नाम लिख देते हैं, कैल्शियम कैल्शियम, फिर यहाँ पर हो जाएगा हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो, चूँकि आयन स्फीयर में पॉजिटिव लिगेंड मौजूद है इसलिए ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर निगेटिव होगा, इसलिए इसका नाम हो जाएगा फेरेट, तो हो जाएगा फेरेट, फेरेट छः से दो मार्क, कैल्शियम के ऊपर दो प्लस होता है इसलिए दो कम हो जाएंगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा फोर्थ, तो फेरेट फोर्थ इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अगला यूपीएससी होगा, फिर यहाँ पर के थ्री है तो हो जाएगा पोटेशियम, पोटेशियम पोटेशियम, फिर हेक्सा पोटेशियम, हेक्सा नाइट्रो पोटेशियम, हेक्सा नाइट्रो पोटेशियम, हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट, कोबाल्टेट कोबाल्टेट ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा थर्ड, थर्ड कोबाल्ट थर्ड। फिर इसका अगला यूपीएससी होगा, ये कुछ लिखने में कुछ मिस्टेक है, ये होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर में होगा तो होगा टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल, तो होगा टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल निकिल, निकिल, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा शून्य, क्योंकि कार्बोनिल हमारा जो लिगेंड है वो उदासीन लिगेंड है। चलिए अगले आईपीसी की ओर बढ़ लिखते हैं नाम, तो ये होगा देखिए पोटेशियम, आयन स्फीयर में पोटेशियम है तो लिखेंगे पहले पोटेशियम, पोटेशियम पोटेशियम, हेक्सा साइनो पोटेशियम, हेक्सा साइनो पोटेशियम, हेक्सा साइनो क्रोमेट, क्रो क्रोमेट, अरे क्रो मेट उस तरह लिख देते हैं, क्रोमेट कर लो, क्रोमेट साइनोक्रोमेट तीन, ऑक्सीडेशन नंबर तीन हो जाएगा, क्रोमेट थर्ड। अगले आईपीएससी की ओर बढ़ते हैं, तो इससे से नाम को समझते रहें और कॉपी में नोट भी करते रहें, कॉपी में साथ में नोट भी करते रहें, जिससे बोर्ड परीक्षा के दिन सारे नाम देख करके जाएं, क्योंकि इन्हीं में से आपके चार नाम आपको बोर्ड परीक्षा में मिलेंगे। चलिए अगला नाम है CrH2O कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हमारा दो प्रकार के लिगेंड है, एक Cl है एक H2O है, तो पहले हमारा हो जाएगा पेंटा एक्वा, ये हो जाएगा पेंटा, अगला हो जाएगा एक्वा, तो पेंटा एक्वा, फिर हो जाएगा क्लोरो, क्लोरो पेंटा एक्वा क्लोरो, क्रोमियम क्रोमियम, तो पेंटा पेंटा एक्वा क्लोरो क्रोमियम, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा हमारा पाँच एक छः, पाँच एक छः हो जाएगा, तो हो जाएगा सिक्स, फाइव सिक्स ये हो गया। उसके बाद क्लोराइड, क्लोराइड क्लोराइड, तो इस तरह से नाम इसका हो जाएगा। अगला यूपीएससी, अगला यूपीएससी हमारा होगा, देखिए
अगले आईपीएससी में हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, आयन स्फीयर में पहले नहीं है, आयन स्फीयर में बाद में है। तो पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर में दो लिगेंड है, एक एमीन है, दूसरा कार्बोनेटो है। तो एमीन पहले होगा, पेंटा एमीन कार्बोनेटो हो जाएगा, पेंटा एमीन कार्बोनेटो, पेंटा एमीन कार्बोनेटो, पेंटा एमीन कार्बोनेटो। उसके बाद कोबाल्ट केंद्रीय धातु प्रमाण का नाम हो जाएगा, कोबाल्ट कार्बोनेटो। कितना कोबाल्ट? ऑक्सीडेशन नंबर से हो जाएगा, उदासीन है इसका दो और ये के तीन, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। इस तरह से ये इसका नाम हो जाएगा, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। चलिए अगले आईपीएससी की ओर बढ़ते हैं। अगला आईपीएससी हमारा होगा पोटेशियम आयन स्फीयर में है, तो पोटेशियम फिर यहाँ पर हो जाएगा पोटेशियम पेंटा साइनो, ये हो जाएगा नाइट्रोसिल, तो पेंटा साइनो नाइट्रोसिल फेरेट, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा पाँच से तीन कम हो गए, दो बचे, हो गया जाएगा सेकंड। और जल के लिए हमारा हो जाएगा हाइड्रेट हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ तक हमारे आईपीएससी हो गए। तो आई होप समझ रहे होंगे अगले क्वेश्चन की ओर, अगले आईपीएससी की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे यहाँ तक हो गए 10, 20, 23 का बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा है आईपीएससी। तो देखिए हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, फिर आयन स्फीयर में हमारा पोटेशियम मौजूद है, तो हम लिखेंगे पोटेशियम, फिर हो जाएगा हेक्सा साइनो फेरेट, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव होगा, क्योंकि आयन स्फीयर में पॉजिटिव मूलक मौजूद है इसलिए नेगेटिव होगा, इसलिए फेरेट हो जाएगा। और ये बचेगा टू, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर होगा इसका टू। चलिए अगले आईपीएससी की ओर बढ़ते हैं। तो अगला संकुल यौगिक होगा हमारा, इसमें होगा पेंटा एमीन क्लोरो कोबाल्ट, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा थर्ड क्लोराइड, तो पेंटा एमीन क्लोरो, इसका नाम हो जाएगा पेंटा एमीन क्लोरो कोबाल्ट
थर्ड क्लोराइड, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ये हो जाएगा। फिर अगला होगा, अगला यूपीएससी होगा संकुल यौगिक। देखिए पहले होगा एमीन क्लोरो नाइट्रो, एमीन क्लोरो, एमीन क्लोरो नाइट्रो, एमीन क्लोरो, एमीन क्लोरो नाइट्रो प्लेटिनम, प्लेटिनम ऑक्सीडेशन नंबर होगा तीन, प्लेटिनम थर्ड, प्लेटिनम थर्ड। फिर अगला होगा, अगला यूपीएससी होगा हमारा, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर होना चाहिए, ये कुछ मिस्टेक है इसमें, ये होना चाहिए। देखिए हेक्सा एमीन का नाम होगा हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन प्लेटिनम, हेक्सा एमीन प्लेटिनम, हेक्सा एमीन प्लेटिनम फोर्थ, फोर्थ आयन, अगर उस पर आवेश है तो उस पर आयन लिख दिया जाता है, आयन होगा, संख्या की कोई गणना नहीं होती, बस सीधे आयन। अगला संकुल यौगिक का हमारा नाम होगा, देखिए अगला संकुल यौगिक होगा, दो तरह के लिगेंड हैं, एक ही लिगेंड है, तो पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम हो जाएगा। फिर हो जाएगा टेट्रा साइनो, टेट्रा, फिर हो जाएगा साइनो पोटेशियम, टेट्रा पोटेशियम, टेट्रा साइनो निकलेट, निकलेट पोटेशियम टेट्रा साइनो निकलेट सेकंड, निकलेट सेकंड हो जाएगा, क्योंकि चार और ये दो, दो प्लस घट जाएगा, दो माइनस बचेगा उधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगला देखें, देखिए आयन स्फीयर में हमारा सोडियम है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हमारा एक तरह का लिगेंड है साइनो, तो हो जाएगा सोडियम, ये हो जाएगा सोडियम, सोडियम डाई साइनो, डाई साइनो, तो सोडियम डाई साइनो। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमारा नेगेटिव बनेगा, इसलिए इसका इसमें हो जाएगा अर्जेंटेट, अर्जेंटेट, इसका नाम हो जाएगा अर्जेंटेट। ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा दो, सीएन के ऊपर एक माइनस होता है तो दो माइनस, एन ए प्लस, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर एक बचेगा, तो अर्जेंटेट फर्स्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट। अगले संकुल यौगिक की ओर बढ़ते हैं, अगला संकुल यौगिक होगा हमारा, देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हमारे दो तरह के लिगेंड हैं, एक है H2O, दूसरा है एमीन, एक है अक्वा। तो पहले हो जाएगा, दोनों ए से पढ़ेंगे तो पेंटा एमीन नाम हो जाएगा, पेंटा एमीन, पेंटा एमीन एक्वा, एक्वा कोबाल्ट, केंद्रीय धातु प्रमाण हमारा हो जाएगा कोबाल्ट, कोबाल्ट, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, ये दोनों उदासीन लिगेंड हैं, क्लोराइड के तीन परमाणु, इसलिए थर्ड हो जाएगा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, क्लोराइड, इस तरह से हमारा ये नाम हो जाएगा पेंटामीन एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। अगला यूपीएससी होगा, अगला संकुल यौगिक हमारा होगा CuNH3 का होल फोर्थ SO4। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में केवल एक लिगेंड है एमीन है,
फिर अगला जो हमारा है सल्फेट वाइन स्फीयर में है तो हो जाएगा टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन कापर, टेट्रा एमीन कापर ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 2, सल्फेट के ऊपर 2, ये हमारा उदासीन है तो 2 होगा, तो कापर सेकेंड सल्फेट। अगला यूपीएससी हमारा होगा इसके आयन स्फीयर में पोटेशियम मौजूद है, क्वाड्रेंशियल स्फीयर में हमारा ऑक्सीलेटो है, पहले हो जाएगा आयन स्फीयर का नाम पोटेशियम, ये हो जाएगा हमारा पोटेशियम ट्रिस, क्योंकि ऑक्सीलेटो हमारा 2 दंती है इसलिए इसमें 3 के लिए ट्रिस हो जाएगा, ट्रिस ऑक्सलेटो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 3 × 6 और ये 3 घट जाएगा तो 3 बचेगा, ऑक्सलेटो थर्ड ये पहले केंद्रीय धातु और एल्यूमिनेट, इसका नाम हो जाएगा एल्यूमिनेट थर्ड हो जाएगा इसका नाम, तो पोटेशियम ट्रिस ऑक्सीलेटो एल्यूमिनेट थर्ड। अगला संकुल यौगिक होगा, अगला होगा पोटेशियम पोटेशियम टेट्रा हाइड्रॉक्सो पोटेशियम टेट्रा हाइड्रॉक्सो OH के ऊपर 1-4 है तो 4-, यहाँ 2+ तो 2 बचेगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर 2 हो जाएगा और इसके लिए हो जाएगा जिंकेट, तो हाइड्रॉक्सो जिंकेट सेकेंड। अगला हमारा यूपीएससी होगा, अगले यूपीएससी नाम होगा हमारा, देखिए इसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर आयन स्फीयर में पहले नहीं है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके बाद आयन स्फीयर में NO3 मौजूद है, इसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हमारे 2 लिगेंड हैं, एक है एमीन दूसरा है सल्फेटो, अल्फाबेट के लिए एमीन पहले पड़ेगा तो हो जाएगा टेट्रा एमीन सल्फेटो कोबाल्ट इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा 1, 1 × 1 सल्फेट का 2, 2 × 1 = 3 ये उदासीन है तो कोबाल्ट थर्ड NO3 के लिए ये हो जाएगा नाइट्रेट हो जाएगा टेट्राएमीन सल्फेटो कोबाल्ट थर्ड नाइट्रेट। अगला संकुल यौगिक होगा, देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके बाद आयन स्फीयर है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हमारा डाइक्लोरो फिर EN का होल ट्वाइस, ये एथिलीन डाइएमीन है तो ethane 1,2-diamine तो इसका नाम हो जाएगा ethane 1,2-diamine रिकॉर्ड बंद, तो डाइक्लोरो ethane 1,2-diamine क्रोमियम
ऑक्सीडेशन नंबर उदासीन लिगेंड है, तो एक ये दो एक तीन ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, थर्ड क्लोराइड हो जाएगा, थर्ड क्लोराइड, थर्ड क्लोराइड। तो डाइक्लोरो एथेन 1,2 डाइएमीन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। अगला आईपीएसी होगा सीएस फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर FeCl4, तो ये हो जाएगा CGM, हो जाएगा सीएस के लिए हो जाएगा CGM टेट्राक्लोरो, CGM टेट्राक्लोरो, CGM टेट्राक्लोरो फेरेट, कोऑर्डिनेशन स्फीयर निगेटिव होगा इसलिए Fe के लिए फेरेट हो जाएगा। क्लोरीन के चार परमाणु हैं तो चार माइनस यस एक प्लस थर्ड बचेगा, तो फेरेट थर्ड, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा थर्ड, फेरेट थर्ड। अगला आईयूपीएसी होगा, अगला यूपीएसी होगा पोटेशियम, पोटेशियम फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हो जाएगा ट्रिस ऑक्सीलेटो, ट्रिस ऑक्सीलेटो, ट्रिस ऑक्सीलेटो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर निगेटिव है इसलिए इसके कैंडिडेट परमाणु का नाम हो जाएगा कोबाल्टेट, ऑक्सीलेटो कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर होगा 3, 9, 6 से 3 घटेंगे थर्ड, कोबाल्टेट थर्ड। लास्ट संकुल यौगिक का नाम होगा संकुल, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में दो तरह के लिगेंड हैं NH3 का होल थ्राइस, तो एमीन और क्लोरो, तो हो जाएगा ट्राई एमीन, अल्फाबेटिकली एमीन पहले पड़ेगा तो हो जाएगा ट्राई एमीन ट्राई क्लोरो कोबाल्ट थर्ड, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा थर्ड, कोबाल्ट थर्ड। तो इस तरह से हमारा लास्ट आईपीसी नाम होगा ट्राई एमीन ट्राई क्लोरो कोबाल्ट थर्ड। तो ये आपके आईपीसी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा में चार अंक आपको दिलाएंगे। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में शेयर भी करें। धन्यवाद।